अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर बशारत अहमद, टेक्निकल ऑफिसर टू डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा, विद एडिशनल चार्ज ऑफ शीप एंड वूल डेवलपमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट शुपियां। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक इम्पॉर्टेंट काम जो है परचेज ऑफ ब्रीडिंग रैम्स का, उसके हवाले से आपसे आज गुफ्तगू करेंगे। हम जिस रैम को हमने परचेज करना होता है, परचेजिंग से पहले उसको हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस रैम का जो है ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, जैसे बॉडी कैरेक्टर्स कैसी है, शेप कैसी है, इसका जो है बिहेवियर कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस रैम की एज कितनी है, जो डेंटिशन से हमें पता चलता है कि इस रैम की जो हमने परचेज करना है इसकी उम्र कितनी है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसका बॉडी वेट कितना है, हम कोरिलेट करते हैं कि किस उम्र पे इसका बॉडी वेट कितना है। उसके बाद हम इसके वूल का जो है जायजा लेते हैं कि आया कि ये फाइन वूल है या कोरस वूल है, तो हम वो चीज देखते हैं। उसके बाद जो है हम इस रैम का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं तो है, कोई गेट में डिफेक्ट मत है, चलने फिरने में कोई डिफेक्ट मत है। और इसी के साथ साथ जो है हम इसके टेस्टिकल्स को देखते हैं कि इसके टेस्टिकल्स ठीक है, में कोई ग्रॉस डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है, जैसे ऑर्काइट्स होता है, एपिडर्माइट्स होता है, वो मत है। या कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्टिकल्स जो है डिसेंट ही नहीं होते हैं, जिसको क्रिप्टोर्चिडिज्म कहते हैं, तो क्रिप्टोर्चिड मत है ये, या एक ही टेस्टिकल मत है जिसको रिग कहते हैं जैसे, तो वो डिफेक्ट्स हम देखते हैं कि इस जो रैम हमने परचेज करना है, क्योंकि हमें ब्रीडिंग के लिए रैम खरीदना होता है, तो ये चीजें देखना बहुत लाजमी होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस रैम का जो है एक ब्लड सैंपल ले लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने का हमारा ये मकसद होता है कि हम इस रैम की स्क्रीनिंग करेंगे ब्रुसेलोसिस के लिए, आया कि इस रैम में ब्रुसेला इन्फेक्शन तो नहीं है। इसलिए हम जो है इस रैम से एक ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उसके सीरम का जो है हम ब्रुसेला स्क्रीनिंग करते हैं, ये परचेजिंग से पहले करते हैं। अगर रैम को देख के हमें ये लगता है कि वर्चुअली जो है रैम हमारे क्राइटेरिया पे फिट होता है, जैसे हमारे क्राइटेरिया क्या है, हमें जो है मिलिक टीथ में, जो इलीट रैम सिलेक्शन जिसको कहते हैं, जो मिलिक टीथ होता है, इस अगर मिलिक टीथ रैम है, अगर इसका वेट जो है लाइव बॉडी वेट 45 kg या ऊपर है, तो हमारे ये क्राइटेरिया में फिट होता है। तो ऐसे रैम को हम जो है पहले बॉडी वेट के हिसाब से जो है रैम का कॉस्ट बनता है, उसके बाद हम उस पर ब्रीडिंग वैल्यू चढ़ाते हैं। तो ब्रीडिंग वैल्यू अगर एलीट क्लास में हुआ तो 50 से 70% जो है मिलिक टूट से टू टूट तक हम दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है इस रैम का जो बॉडी वेट लेके उसको एक कान पे जो है उसके ईयर को टैग करते हैं, हम एक नंबर दे देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा रैम, किस रैम का टेस्ट लिया है, किस रैम का कोई सैंपल लिया है। तो इसके साथ साथ जो है इस रैम को जो है हम फिर रख लेते हैं जब तक कि हमें ये टेस्ट रिपोर्ट ना आए। और फिर जब कमेटी आती है, परचेजिंग कमेटी, तो परचेजिंग कमेटी वो टेस्ट रिपोर्ट देख के जो है रैम को दोबारा अच्छे से देख के जो है तभी जो है रैम एक परचेज हो पाता है हमारी फ्यूचर ब्रीडिंग प्लान के लिए।